बड़े इन्वेस्टर को बड़ी चेतावनी, कल का ऑरेंज अलर्ट स्टॉक मार्केट में, और ब्रोकर दलालों के लिए येलो अलर्ट। एमबीए बीके सिंह ने कहा कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का होता है, तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का होता है, क्यों कहा आइए हम इसमें बताते हैं दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट ने कह दिया दोस्तों कि अब हम ब्रोकर को बताएंगे कि कैसा रिटेलर होता है और रिटेलर के भरोसे जो रहते हैं वो बात करते हैं। ये तो धोबी के वो कुत्ते हैं जो एक दिन घर के ना होंगे ना घाट का, इसलिए कि धोबी का कुत्ता ना उसका कोई काम करता है और ना कोई बोझ ढोता है। वो तो इस द्वार से उस द्वार किसी के भरोसे रहता है, और इसीलिए वो मार बार इधर से उधर, इधर से उधर, इधर का भी खाएगा उधर का भी खाएगा, और यही है कुत्ते की तरह। इसलिए कि कुत्ते की दुम जो होती है वो शुद्ध घी लगा के भी, अगर शीशी में बंद करके भी, किसी पाइप में घुसा कर पूंछ कर दिया जाए तो उसके सीधे नहीं होते दोस्तों। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का एमबीए बीके सिंह क्यों कहे, क्योंकि ये वो दलाल वो ब्रोकर हैं जो उस से भी खतरनाक है, जो जलाद तो आते हैं फांसी देने के लिए, उनको आदेश मिलता है, लेकिन इनको किसी आदेश की जरूरत नहीं। इनकी तो वो हाल होगी जो कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो आप लोग भी जान लीजिए दोस्तों, इन दलालों ब्रोकरों से बहुत सावधान रहिए। आपका घर का भेदी लंका डाहे, घर का भेदी लंका डाहे। अगर विभीषण नहीं आता तो रावण की मौत नहीं होती, इसलिए कि विभीषण ही जानता था कि रावण के नाभि में उसकी आत्मा प्राण बसता है। तो ये आपकी जो डीमैट अकाउंट साफ होते हैं, आपका प्राइस खरीदते हैं 100 रुपया तो खरीदा जाता है 102 रुपया, आप बेचते हैं 110 रुपया तो बेचा जाता है 108 रुपया। ये सबसे बड़े चोर तो आते हैं रात को दोस्तों, लेकिन ये आपके आंखों के सामने डकैती करते हैं दोस्तों, और इन डकैतों को सरकार बहुत तेज़ी से नज़र रखी है। और जिस तरह कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का होता है दोस्तों, ये दलाल भी वैसे हैं। तो ऐसे कुत्ते को क्या किया जाता है, रोड पे छोड़ दिया जाता है कि जा, जब तुम मेरे काम नहीं आते तो तुम्हारा कोई काम नहीं है। वही करने वाला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी मिलकर, और इनकी भी ईडी बहुत जल्दी भी इन लोगों पे, इन जितने भी ब्रोकर और दलाल डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने वाले हैं, इनकी भी ईडी की बहुत जल्दी प्रवर्तन निदेशालय की चिट्ठी पहुंचने वाली है, और तब जाकर पता चलेगा कि ये दौलत कहाँ से लाए और किस किस ट्रेडिंग अकाउंट नए शेयरधारकों को, रिटेलरों को लूट कर लाए दोस्तों। चलिए दोस्तों, कल का स्टॉक मार्केट का ऑपरेशन थिएटर में मैं जाता हूँ और ऑपरेशन थिएटर में देखता हूँ कि ऑपरेशन ठीक से हुआ या नहीं।
उसके बाद में बताता हूँ आकर गार्जियन को, उसके ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने के बाद आपको बताता हूँ कि मरीज का क्या हाल है। निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक कल क्या करेगा, 8 बजे वीडियो जरूर देखिए और इन गैंग से सावधान रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।